नमस्कार। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिला बस्तर में शराबी शिक्षक से तंग आ गए छात्रों ने शिक्षक को जूते चप्पल फेंक कर भगाया। बता दें कि बच्चों का यह गुस्सा उस वक्त फूटा जब शिक्षक नशे में धुत होकर फिर स्कूल पहुंचा। बच्चों से गाली गलौज करने लगा। शराबी शिक्षकों पर जूते चप्पल बरसाने का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। मामला 2-3 दिन पहले का बताया जा रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद अब शिक्षा विभाग भी हरकत में आ गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के पलीभाटा प्राथमिक शाला का एक शिक्षक हर दिन शराब पीकर स्कूल आता था। बच्चों को पढ़ाने के बजाय नीचे दरी में सो जाया करता था। बच्चे जब उसे पढ़ाने को कहते तो उन्हें गालियां देता और डांट कर भगाया करता था। ऐसे में स्कूल के बच्चे शराबी शिक्षक के करतूत से बहुत तंग आ गए थे। हफ्ते भर पहले जब वह फिर से शराब पीकर स्कूल पहुंचा, बच्चों ने उसे पढ़ाने को कहा तो उसने फिर से वही हरकत शुरू कर दी। ऐसे में गुस्साए बच्चों ने अपनी चप्पलें निकाली और उस पर फेंकना शुरू कर दिया। बच्चों को ऐसा करता देख शराबी शिक्षक ने अपनी बाइक स्टार्ट की और भागने लग गया। बच्चे भी चप्पलें और जूते बरसाते हुए उसके पीछे भागे और नशेली शिक्षक को स्कूल से खदेड़ दिया। बता दें यहां मौजूद किसी शख्स ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। नशे में चूर होकर स्कूल पहुंचने के मामले में ग्रामीणों में भी शिक्षक के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। बता दें कि स्कूल में शराब पीकर शिक्षकों के पहुंचने के पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं। इस संबंध में बस्तर की जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान ने बताया कि इसके बारे में फिलहाल जानकारी नहीं है। मैंने अभी वीडियो नहीं देखा है, इसे पता करके बताती हूँ।